सबसे पहले बात आसमानी कहर की, चट्टानी प्रहार से कहां गई 9 पर्यटकों की जान, बारिश से कैसे बर्बाद हुए महाराष्ट्र कई शहर और गांव, यूपी बिहार में सैलाब कैसे ढारा स्तंभ, राहत में कैसे जुटे हैं देवदूत, कुदरत के कहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को दिखाते हैं टॉप 9 बर्बादी की बाढ़ में। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ी से गिरे पत्थरों ने नदी के ऊपर बने लोहे के पुल को ही पूरी तरह तहस नहस कर दिया। वहीं इस चट्टानी हमले की चपेट में आने से पास से गुजर रहे 9 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से घिरे लोग 2 मंजिला घर की छतों पर रह रहे हैं। हालात का अंदाजा डूबे हुए इस ट्रक से लगाया जा सकता है। चीकू के लिए प्रसिद्ध सांगवाड़ी गांव और बागान भी जलमग्न हो गया है। बाढ़ ने महाराष्ट्र के सनी शहर को भी डुबो रखा है। कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर सांगली शहर तक आर्मी की मदद से TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। टीम को 6 किलोमीटर दूर अपनी कार छोड़कर ट्रैक्टर से जाना पड़ा। सड़क पर कमर भर पानी बहता मिला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में NDRF देवदूत बनकर उतरी। बालिंगे और बस्तवाड़ में रेस्क्यू टीम ने लोगों को बाढ़ से बाहर निकाला। हजारों लोग अब भी बाढ़ में फंसे हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। दूर दूर तक कई घरों के निशान तक नहीं बचे हैं। रायगढ़ के तलाई गांव में हुए भूस्खलन में एक महिला ने पूरे परिवार को खो दिया। गनीमत रही कि घटना के 2 दिन पहले ही वो गांव से ससुराल चली गई थी। लगभग 3 महीने पहले शादी हुई थी। वो अपने माता पिता से मिलने आई थी और घटना से ठीक 2 दिन पहले अपने ससुराल लौट आई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सीएम ठाकरे चिपलून पहुंचे तो लोग उन्हें अपनी आपबीती सुनाने लगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में बाढ़ से अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी के कटान से पक्के मकान शारदा नदी में समाते जा रहे हैं। अब तक 40 मकानों को नदी ने निगल लिया है। निघासन तहसील के मझरी गाँव के लोग कटाव से बेहद परेशान हैं। बेघर ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। पानी के तेज बहाव में 8 साल का बच्चा भी बह गया। कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भरा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। दरभंगा में बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान का हाल बेहाल है। अकौना गांव के एक मरीज को नाव के सहारे 10 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया। कमला कोसी और अधवारा समूह की नदियों से कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कई गाँव बाढ़ से घिर जाते हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।